हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे 28 फरवरी के करंट अफेयर। तो चलिए फरवरी का थर्ड लास्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चंस कवर करूंगा आज तीन एग्ज़ाम के। एक तो कोल इंडिया लिमिटेड का एग्ज़ाम हुआ था उसके, एक आंध्र प्रदेश का एग्ज़ाम हुआ था उसके, और एक दिल्ली मेट्रो का एग्ज़ाम जनवरी में हुआ था उसके। तो पहले कोल इंडिया के क्वेश्चन क्विज के रूप में आपसे पूछ रहा हूँ, फिर मैं आपको आंसर बताऊँगा। नासा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का इनसाइट मिशन है, इनसाइट लैंडर भी बोल सकते हो आप या इनसाइट भी बोल सकते हो, तो ये कौन से ग्रह के लिए है, कौन से प्लैनेट के लिए है। भारत के कर सचिव कौन है, रेवेन्यू सेक्रेटरी भारत के कौन है। कुम्मी नाम का एक लोक नृत्य है, फोक डांस किया जाता है, ये कौन से स्टेट में किया जाता है। कुम्मी नाम का फोक डांस कौन से स्टेट में किया जाता है। भारत का पहला राज्य है जिसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया है, वो कौन सा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा है आजकल, ये कहां पे चल रहा है। भारत के राजदूत कौन बने माली में, माली अफ्रीका का देश है तो वहां पे भारत के राजदूत कौन बने। ब्रिक्स समिट 2019 ये किस कंट्री में हो रहा है या हो चुका, अब तो हो चुका 2019, तो कौन से कंट्री में हुआ ब्रिक्स समिट 2019। फिर वल्लानाडु वन्य अभ्यारण्य है, वल्लानाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भारत के किस राज्य में है। नेशनल इंजीनियर्स डे ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल इंजीनियर्स डे, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस। तो ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं उस एग्जाम से, कोल इंडिया एग्जाम से। अब मैं DMRC के क्वेश्चन करता हूँ। हिक्रू हिडोंगबा, ये नाव की रेस होती है, बोट रेस होती है, तो हिक्रू हिडोंगबा रेस भारत के किस राज्य में होती है। भारत के किस राज्य में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है सोलंग, SOLUNG, सोलंग। और सोलंग नाम का त्यौहार एक जनजाति मनाती है, उस ट्राइब का नाम भी बताइए कि कौन सी ट्राइब है, कौन सी जनजाति है जो सोलंग त्यौहार मनाती है। एक त्यौहार है जिसका नाम है चुम्फा, चुम्फा नाम का त्यौहार जो है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, ये भी बताइए। ये किताब किसने लिखी है, DRSS रोडमैप फॉर द 21st सेंचुरी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर ये किताब है कि उनकी 21वीं शताब्दी में दिशा क्या रहेगी, तो ये किताब किसने लिखी है। एक ट्रॉफी होती है कूच बिहार ट्रॉफी, इसका संबंध कौन से खेल से है, कूच बिहार ट्रॉफी। और अब जो मैं क्वेश्चन करूंगा ये आए थे आंध्र प्रदेश PSC थर्ड ग्रेड एग्जाम में जो अभी हुआ था 2 दिन पहले। पहला ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम ये कहां पे हुआ, पहला वैश्विक शरणार्थी मंच कहां पे आयोजित किया गया। वेनेजुएला की मुद्रा क्या है, वेनेजुएला की मुद्रा क्या है। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसमें जो एबोला वायरस है वो उसका रिलैप्स देखा गया। रिलैप्स का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को एबोला वायरस से रोग हो जाए तो वो ठीक हो जाता है लेकिन दोबारा आ जाता है, उसको बोलते हैं रिलैप्स। तो एबोला वायरस का रिलैप्स पहली बार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के कौन से जिले में देखा गया, काफी डीप पूछा है। मैनुअल मरेरो क्रूज, इनका संबंध कौन से देश से है, कौन से कंट्री से है। मैनुअल मरेरो क्रूज। एक ज्वालामुखी फटा जिसका नाम है व्हाइट आइलैंड, सफेद द्वीप, व्हाइट आइलैंड, ये कौन से देश में फटा, ये अभी फटा था दिसंबर के अंदर। 54वां डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अधिवेशन ये कौन से शहर में हुआ, और इसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी गए थे। तो 54वां डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस जो है ये कौन से शहर में हुआ। तो ये आपके सवाल है, चलिए मैं इनके आपको आंसर बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं नासा का जो मिशन है इनसाइट मिशन, ये मंगल ग्रह के लिए हुआ, तो इसका आंसर है मार्स, मंगल ग्रह के लिए हुआ नासा का मिशन। रेवेन्यू सचिव भारत के हैं अजय भूषण। और यहां पे मैं ये भी बता दूं, इसी एग्जाम में कोल इंडिया वाले में एक क्वेश्चन आया था रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है, पर ये जो एग्ज़ाम है इसके क्वेश्चन पहले सेट किए गए थे
तो इसमें ऑप्शन में देवशीष पांडा नहीं था, इसमें ऑप्शन में राजीव कुमार था। तो इनके हिसाब से आंसर है राजीव कुमार, क्योंकि वो पुराने हैं राजीव कुमार, देवशीष पांडा से पहले थे, तो ये एग्जाम के क्वेश्चन पहले बन गए थे, क्योंकि देवशीष पांडा बिल्कुल अभी बने 7 दिन पहले। कुम्मी नाम का जो लोक नृत्य है ये तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु का नृत्य है कुम्मी, और भरतनाट्यम भी तमिलनाडु का है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे पहला राज्य जिसने कानून बनाया वो है अगेन तमिलनाडु, तमिलनाडु ही आंसर है इसका भी। महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप भी इस साल ऑस्ट्रेलिया में होगा। माली में भारत के राजदूत बने हैं अंजनी कुमार, वैसे तो अंजनी कुमार भगवान हनुमान को बोलते हैं, अंजनी कुमार, और ये एक्चुअली दिसंबर में बने थे 2019 में, तो बिल्कुल लेटेस्ट पूछा है कि माली में कौन बने। ब्रिक्स समिट आप जानते हैं 2019 कहाँ हुआ था, ये ब्राजीलिया में हुआ था जो ब्राज़ील की राजधानी है, और इस साल 2020 में कहाँ पे होगा, रूस में होगा। अगर पूछें भाई रूस के किस शहर में होगा, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस का शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ पे होगा। वल्लनाडु नाम का वन्य अभ्यारण्य मिलेगा आपको तमिलनाडु में, तमिलनाडु में मिलेगा वल्लनाडु वन्य अभ्यारण्य। नेशनल इंजीनियर डे होता है 15 सितंबर को, 15 सितंबर। एम विश्वेश्वरय का बर्थडे होता है, कर्नाटक के थे एम विश्वेश्वरय। हिकारू हिगडोंगबा नाम का जो नाव की रेस होती है ये मणिपुर में होती है, मणिपुर। सोलोंग नाम का जो त्यौहार है ये अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है, अरुणाचल प्रदेश। चुम्पा नाम का जो त्यौहार है ये मणिपुर में मनाया जाता है, और ये वहाँ पे हार्वेस्ट त्यौहार है, यानी कि जब फसल पक जाती है तब मनाया जाता है। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब फसल को काट लेना, उसको बोलते हैं हार्वेस्ट। ये किताब लिखी है सुनील अंबेकर ने, आरएसएस के ऊपर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सुनील अंबेकर। इस किताब का मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा अभी। कूच बिहार नाम का जो ट्रॉफी है ये क्रिकेट में खेला जाता है, एक्चुअली क्रिकेट में ये अंडर 19 टूर्नामेंट होता है कूच बिहार ट्रॉफी, और कूच बिहार एक वो है जिला है पश्चिम बंगाल में। आंध्र प्रदेश पीएससी के क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम हुआ था जनेवा में, और जनेवा है स्विट्जरलैंड में। वेनेजुएला की राजधानी तो काराकास है, पर मुद्रा पूछी है तो मुद्रा है बोलीवार, बोलीवार। वैसे इन्होंने एक पेट्रा या पेट्रो नाम की भी क्रिप्टो करेंसी बनाई थी पेट्रोल के लिए, पेट्रा शायद नाम था उसका, या पेट्रो भी हो सकता है, ऐसा ही नाम था, जो क्रिप्टो करेंसी था वो नहीं, नॉर्मल करेंसी पूछी है तो आप करेंगे बोलीवार। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बोलते थे ज़ायरे को, पहले इस देश का नाम ज़ायरे था, इसकी राजधानी है किनशासा, लेकिन जिस जिले में इबोला वायरस डिजीज का रिलैप्स हुआ था वो है अलोया, अलोया। तो ये काफी क्वेश्चन टफ था और ये कोई भी नहीं कर सकता इस तरह का क्वेश्चन, अलोया नाम नहीं सुना होता लोगों ने, राजधानी याद रह जाए किनशासा वही बहुत बड़ी बात है। मैनुअल मरेरो क्रूज जो है ये खैर आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि क्यूबा के प्रधानमंत्री बने थे और बहुत लंबे टाइम बाद बने थे, क्योंकि जब फिडेल कैस्ट्रो थे क्यूबा के राष्ट्रपति, उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ही खत्म कर दिया था, तो बहुत लंबे समय के बाद क्यूबा में प्रधानमंत्री बने मैनुअल मरेरो क्रूज। व्हाइट आइलैंड और ताल, ये दो ज्वालामुखी बताए थे मैंने आपको, तो व्हाइट आइलैंड फटा न्यूजीलैंड में और ताल फटा फिलीपींस में, दोनों ज्वालामुखी के नाम याद रखिए, ताल ज्वालामुखी जो है ये फटा फिलीपींस में और व्हाइट आइलैंड ज्वालामुखी फटा न्यूजीलैंड में। 54वां डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का जो अधिवेशन हुआ ये पुणे में हुआ, पुणे में हुआ। और ये वो किताब है जिसकी मैं बात कर रहा था आरएसएस के ऊपर, रोड मैप फॉर द 21st सेंचुरी, तो इसको लिखा है सुनील अंबेकर ने। चलिए अब हम आज के सवाल देख लेते हैं। मारिया शारापोवा ने संन्यास ले लिया टेनिस से, ये कौन से देश का प्रतिनिधित्व करती थी, तो ये कहाँ की खिलाड़ी थी बेसिकली, तो ये रूस की खिलाड़ी थी मारिया शारापोवा, बहुत महान खिलाड़ी थी टेनिस की, इन्होंने संन्यास ले लिया। एक मोबाइल फोन की कंपनी है चाइना की जिसका नाम है रियल मे, तो रियल मे कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सलमान खान। और आपको बता दूं रियल मे कंपनी ओप्पो से ही निकली है, क्योंकि रियल मे कंपनी जिस व्यक्ति ने शुरू करी वो ओप्पो में उपाध्यक्ष थे। ओप्पो कंपनी जो है चाइना की, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ, और एक कंपनी और है IQOO, आई क्वेस्ट ऑन एंड ऑन, यानी IQOO, इसके बने हैं विराट कोहली, और ये कंपनी वीवो से निकली है IQOO, और ओप्पो कंपनी से निकली है रियल मे। तो याद रखिए
सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई, इनकी उम्र कितनी थी? ये जापान के व्यक्ति थे, इनका नाम था चितेसु वतनबे। इनकी उम्र जो है वो 112 साल थी। तो आंसर है 112 साल और इनकी मृत्यु अभी अभी हो गई। और वैसे भी जापान के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा उनकी उम्र होती है पूरी दुनिया में। किस राज्य ने केंद्र सरकार द्वारा जारी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पे आउट रेटिंग में 1 स्थान हासिल किया? यानी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है जिसमें पैसों का हस्तांतरण सीधा बैंक अकाउंट में किया जाता है, उसके थ्रू सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा हरियाणा का और दूसरे नंबर पे रहा सबसे अच्छा उत्तराखंड का। अगर मैं बताऊँ सबसे ख़राब राज्य कौन सा रहा इसमें, तो वो रहा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है वो सबसे ख़राब राज्य रहा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम को लागू करने में। और हरियाणा की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हरियाणा के बारे में याद रखिए कि हरियाणा की एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सुतीर्था मुखर्जी। ये टेबल टेनिस चैंपियन बनी हैं, अभी नेशनल चैंपियन बनी है, राष्ट्रीय चैंपियन सुतीर्था मुखर्जी टेबल टेनिस में। और हरियाणा में अटल किसान मजदूर कैंटीन भी खोली गई। अटल किसान मजदूर कैंटीन ये है कि वहाँ पे किसानों को और मजदूरों को सस्ता भोजन दिया जाता है। इसके अलावा परिवार समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना भी हरियाणा सरकार ने शुरू करी। लोसार महोत्सव अभी अभी किस राज्य में मनाया गया? देखो इसका कोई एक आंसर नहीं है। तो लोसार एक्चुअली ये बुद्ध धर्म का त्यौहार होता है, तो भारत में जहाँ जहाँ भी बुद्ध धर्म के लोग रहते हैं वहाँ ये मनाया जाता है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो चाहे वो हिमाचल हो। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला और मैक्लॉयडगंज ये जो इलाके हैं यहाँ पे बुद्ध धर्म के लोग बहुत रहते हैं, खास तौर पे जो तिब्बत से आए हैं वो लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो लोसार महोत्सव जो है ये तिब्बतन बुद्धिज़्म वाले मनाते हैं, लेकिन तिब्बतन बुद्धिज़्म वाले लोग सिर्फ हिमाचल में ही नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में भी हैं, लद्दाख में भी हैं। तो इन चारों में इसका सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा हिमाचल। लेकिन ये सवाल अगर आए तो उसमें आप लद्दाख भी मार्क कर सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश भी मार्क कर सकते हैं। तो उसमें जो है वो जहाँ जहाँ बुद्ध धर्म के लोग रहते हैं हर जगह लोसार महोत्सव मनाया जाता है। जावेद अशरफ ये किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? ये देश है फ्रांस। फ्रांस एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, हमारा मित्र है फ्रांस, और हमारी संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधित्व जो स्थायी सदस्यता है उसको भी सपोर्ट कर रहा है। परमानेंट मेंबरशिप हम बनना चाहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसको भी सपोर्ट कर रहा है। चलिए एक डिफ़िकल्ट सवाल पूछता हूँ। फ्रांस ने एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, एक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, उसको बंद कर दिया है, उसका नाम क्या है? कमेंट्स में लिख के बताइए कि फ्रांस ने किस न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद कर दिया है। हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किए गए छठे तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत यानी ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम बताइए। यानी छठा जहाज है जो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने बना के दिया है भारतीय तटरक्षक को, इसका नाम रखा है वज्र। और दंगे रोकने के लिए एक गाड़ी बनाई थी अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने, उसका नाम भी वज्र था, एंटी रायट व्हीकल अरुणाचल प्रदेश ने बनाई थी। तो वज्र है नाम इसका छठे का। तो शुरू के 5 कौन से हैं? 5वां भी आपको याद रखना है क्योंकि 5वां भी अभी अभी दिया है 2 दिन पहले। तो 5वां जो दिया है उसका नाम है वराड, ICGS लगता है, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, भारतीय तटरक्षक जहाज वराड। पहला था विक्रम, दूसरा है विजय, तीसरा है वीरा, चौथा है वराहा, 5वां है वराड और छठा है वज्र। और ये सारे जहाज बनाए हैं लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने। हमारे जो जहाज के मंत्री हैं उनका नाम है मनसुख मांडवीय। हुरुण ग्लोबल रिच लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा? दुनिया का वो देश जहां पे सबसे ज्यादा अरबपति हैं, बिलियनियर हैं, वो है चीन। 1 रहा इसमें चीन। और अगर आपसे पूछें चीन के पास जो है वो कितने बिलियनियर हैं, तो चीन के पास हैं 799 बिलियनियर। दूसरे नंबर पे अमेरिका के पास हैं 626, और तीसरे नंबर पे रहा भारत, तो 137। तो भारत का स्थान रहा इसमें तीसरा। दुनिया के सबसे अमीर आदमी अगेन अमेजॉन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस रहे 1, तीसरे साल लगातार जेफ बेजोस 1 रहे। तो ये भी आपको याद रखना है। विश्व गैर सरकारी संगठन दिवस कब मनाया गया? एनजीओ डे बोलते हैं इसे। देखो एनजीओ डे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूनाइटेड नेशन विकास कार्यक्रम द्वारा 2014 से मनाया जा रहा है, ठीक है ना। 27 फरवरी को मनाया जाता है। गैर सरकारी संगठनों का भी काफ़ी योगदान है हमारे जीवन में, तो उनकी भूमिका को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है ये दिवस। 27 फरवरी को मनाया जाता है।
2014 में पहली बार मनाया गया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। भुवनेश्वर में होने वाली पूर्वी जोनल काउंसिल की 24वीं बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? देखो, पूर्वी जोनल कोई भी जोनल काउंसिल क्यों ना हो, कोई भी क्षेत्रीय परिषद क्यों ना हो, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, केंद्रीय, कोई भी, सबकी अध्यक्षता करता है भारत का गृहमंत्री। तो अमित शाह ने अध्यक्षता करी और उपाध्यक्ष बने इसके, क्योंकि भुवनेश्वर में हो रही है तो इसके उपाध्यक्ष बने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। और इसमें कौन कौन से राज्य हैं, इसमें जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, इसमें बिहार है, इसमें झारखंड है, ओडिशा है और वेस्ट बंगाल है, चार राज्य हैं इसमें। सामाजिक सशक्तिकरण हेतु उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमता यानी रेज नाम का एक सम्मेलन हो रहा है, ये कौन सा शहर इसका आयोजन कर रहा है? रेज सम्मेलन जो है ये भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, कृत्रिम बुद्धिमता के ऊपर शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो आंसर है नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को यह अनुमति दे दी है कि वो नई शाखाएं खोल सकता है? पहले इस बैंक पे प्रतिबंधित, इस बैंक पे एक वो लगा दिया था बैन कि ये नई ब्रांचेस नहीं खोल सकता, प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये बैंक है बंधन बैंक। बंधन बैंक शुरू किया था चंद्रशेखर घोष ने और इस बैंक का मुख्यालय मिलेगा आपको कोलकाता में। अब ये बैंक नई शाखाएं खोल सकता है। वायुसेना अभ्यास कर रही है जिसका नाम है इंद्रधनुष अभ्यास। ये भारत और किस देश के बीच हो रहा है? इंद्रधनुष नाम का अभ्यास जो है ये भारत और ब्रिटेन के बीच में हो रहा है। तो आंसर है यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, कहाँ पे हो रहा है ये? हो रहा है, ये हवाई युद्ध अभ्यास है और ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में हो रहा है। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस है, वहाँ पे हो रहा है। तो गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पे हो रहा है यूपी में। और एक भारत और ब्रिटेन के बीच में युद्ध अभ्यास अभी भी और हुआ था जिसका नाम है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर, क्या आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास जो है वो कहाँ पे हुआ? और ये जो हिंडन एयरबेस है ये पश्चिमी हवाई कमांड के अंदर आता है, यानी वेस्टर्न एयर कमांड के अंदर आता है हिंडन एयरबेस। श्रम मंत्रालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, योजना के लाभार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च करेगा? ये घोषणा करी श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने। इस ऐप का नाम रखा गया है संतुष्ट। संतोष कुमार गंगवार की कॉन्स्टिट्यूएंसी है यूपी में बरेली। हाल ही में किस बैंक ने मसाला बॉन्ड को इंडिया INX के वैश्विक ऋण पत्र प्लेटफॉर्म में सूचीबद्ध किया है? मसाला बॉन्ड वैसे लंदन में चलते हैं, मेनली लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे चलते हैं, और अब भारत में भी मसाला बॉन्ड को लिस्ट किया है एशियाई विकास बैंक ने। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मसात सोगू असाकावा और इसकी हेडक्वार्टर मनीला में है। दूर संचार विभाग ने किस मोबाइल टावर कंपनी को भारतीय इंफ्राटेल के साथ विलय को मंजूरी दी है? भारतीय इंफ्राटेल के साथ विलय को मंजूरी मिली है इंडस टावर को। इंडस टावर नाम की कंपनी भारतीय एयरटेल इंफ्राटेल में समा जाएगी। और हमारे दूरसंचार जो नियामक है TRAI, उसके चेयरमैन है राम सेवक शर्मा। शहरी बस्तियों में संपत्तियों की जियो टैगिंग करने के लिए भारत ने किस ऐप को लॉन्च करा है? जो रर्बन क्लस्टर बनेंगे उनकी टैगिंग होगी जियो टैगिंग। और कितने रर्बन क्लस्टर बनेंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन के तहत 300 क्लस्टर बनेंगे। तो इस ऐप का नाम रखा गया है जियो रर्बन। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर दवा दोस्त नाम की दवाई की दुकान खोली है? यहाँ पे सस्ती दवाइयाँ मिलेंगी। दवा दोस्त नाम की दुकानें भारत के अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी खोली जाएंगी। अभी खुली है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर। और आनंद विहार रेलवे स्टेशन न्यूज़ में इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी मशीन लगाई गई है जिसमें अगर आप 30 दंड बैठक करेंगे 180 सेकंड में तो आपको प्लेटफॉर्म का टिकट फ्री मिलेगा। वो भी था आनंद विहार रेलवे स्टेशन। और आनंद विहार रेलवे स्टेशन की एक खास बात और है, और वो ये कि ये ईट राइट स्टेशन है नॉर्दर्न रेलवे का पहला, यानी नॉर्दर्न रेलवे जोन का पहला ईट राइट स्टेशन जो है वो है आनंद विहार रेलवे स्टेशन। NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला NDA शासित राज्य कौन सा बना है? देखिए, भाजपा और उनके घटक दल, उनको मिला के बोलते हैं NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। जैसे JDU पार्टी है नीतीश कुमार की, या पंजाब में अकाली दल है, ये सब भाजपा के समर्थक हैं, तो भाजपा के घटक दल हैं यानी एलाइज हैं। तो अब नीतीश कुमार ने बोल दिया है कि बिहार में NRC लागू नहीं होगा। तो याद रखिए, NRC के खिलाफ पहला NDA रूल्ड राज्य है बिहार जिसने आवाज़ उठाई है। और अगर पूछें जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ
आवाज उठाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंसर है केरल। राज्यों में केरल था, केंद्र शासित प्रदेशों में पौंडेचेरी था, केंद्र शासित प्रदेशों में पौंडेचेरी था, दोनों याद रखिए। और इसको समर्थन देने वाला सीए को पहला था उत्तर प्रदेश। अमेरिका टेक प्रमुख एक्सेंचर कंपनी ने भारत में अपना तीसरा नवाचार केंद्र यानी इनोवेशन हब खोला है, कहां पे? ये इन्होंने अभी अभी खोला है एक्सेंचर कंपनी ने, पहले बेंगलोर और हैदराबाद दो जगह पे थे और अभी इन्होंने खोला है पुणे में, तो आंसर है इसका पुणे। तो ये था हमारा 28 फरवरी का वीडियो, मिलते हैं 29 फरवरी के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आईक्यू प्रीमियम।